गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पेज नंबर 42 लगाई निकालिए आप और देखो ये एक नया चैप्टर पढ़ रहे अपन, माई स्कूल। तो पेज नंबर 42 निकालिए और जो चैप्टर नंबर 5 है उसको देखिए, माई स्कूल। लेट्स बिगन, यानी चलो चालू करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रेकेट। यानी इस ब्रेकेट, ये जो ब्रेकेट दे रखा है इनमें से जो करेक्ट है उसको यहाँ पे लिखना है। या तो ये करेक्ट होगा या ये होगा, तो आपको इन दोनों में से जो भी आपको करेक्ट लगता है वो यहाँ लिखना है। जैसे ये दो दे रखा है, इसमें आपको जो डिनर और टिफिन लिखा है तो एक यहाँ पे लिखा जाएगा, इसमें से इनमें से भी एक यहाँ पे लिखा जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहला एवरी मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या होता है बच्चों, सुबह, ठीक है। यानी एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह आई गो टू डैश डैश में, यानी इस डैश का मतलब इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो ये कह रहा है एवरी मॉर्निंग आई गो टू डैश। तो इस डैश में क्या भरोगे आप, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, स्कूल का आप जानते ही हो। तो आप यहाँ पे रोज चिड़ियाघर जाते हो या स्कूल जाते हो, तो आपको जो सही आंसर लगे उसमें इसमें आप इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। ये आपके लिए एक प्रकार से होमवर्क भी हो गया, मैं इसको कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद करोगी। तो एवरी मॉर्निंग आई गो टू डैश, अब इस डैश में या तो आप चिड़ियाघर जाते हो या फिर स्कूल जाते हो, जो भी आपको सही लगे वो इसमें लिखना है, ठीक है। ये आपका एक प्रकार से होमवर्क भी हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए, एट स्कूल, यानी स्कूल में, स्कूल पर आई ईट डैश डिनर टिफिन विथ माई फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ टिफिन खाते हो या डिनर खाते हो, तो डिनर का मतलब होता है रात का भोजन और टिफिन तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसमें से, आपको जो भी बढ़िया लगता है कि आपको मुझे डिनर लिखना है या टिफिन लिखना है, क्योंकि ये आपके लिए आपको खुद को ही ये कंप्लीट करना है, इसलिए मैं इसमें नहीं बताऊंगा। आप खुद यहाँ लिखोगे कि मैं यहाँ पे कौन सा इन दो में से लिखूँ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, माई स्कूल डैश, आपकी जो स्कूल है बड़ी है या स्मॉल है, बिग है या स्मॉल है, ये आप खुद यहाँ पे कंप्लीट करोगे, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक आपको ये तीनों फिल इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कलर द पिक्चर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कलर द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ योर स्कूल एट द टॉप। यानी ये जो ब्लैंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है, यहाँ पे आपको इस टॉप पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, और ये देखो इस स्कूल बना रखी है इसमें आपको कलरिंग करनी है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है बच्चों। तो पेज नंबर 42 अपन ने देख लिया है, अब देखो इससे आगे। फोर्टी थ्री में देखिए, लेट्स फाइंड आउट व्हाई डू वी गो टू स्कूल। आप स्कूल क्यों जाते हो बताओ। तो देखो आप क्या लिखा है इसका आंसर, वी गो टू स्कूल टू लर्न न्यू थिंग्स। हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि लर्न, लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना, न्यू थिंग्स, कुछ नया सीखे। वी लर्न मैनी थिंग्स इन द स्कूल, हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं घर की तुलना में, आप स्कूल में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हैं। देखो क्या लिखा है, वी लर्न टू रीड, हम पढ़ना सीखते हैं, राइट लिखना सीखते हैं, एंड डू सम्स, और जो जोड़ बाकी करते हैं, सम्स करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारा अपन यहाँ स्कूल में सीखते, ठीक है बच्चों। तो ये देखो इसमें देखो आप आराम से देख सकते हो, ये टीचर बैठी हुई है, ये स्टूडेंट है, ठीक है। और देखो ये स्कूल में क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और सेकेंड क्या लिखा है देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये देखो बड़ी बकेट है, ये बाल्टी है, ये मग है, ठीक है, ये प्लांट है, पौधा है, ये कोई है चाइल्ड है, ये भी प्लांट है, और ये क्या है जो पानी देने का आता है जार, वो है जिससे पानी दिया जाता है इन प्लांट्स को। तो क्या लिखा है, वी लर्न अबाउट द थिंग्स अराउंड अस,
यानी हम ये भी सीखते हैं स्कूल जाके कि अपने अराउंड्स में क्या क्या मिलता है वो सारा सीखते हैं, यानी एनवायरनमेंट, आपको पेड़ पौधे भी मिलेंगे तो उसके बारे में भी सीखते हैं। और क्या सीखते हैं, देखो ये डांस कर रही है और ये बजा रहा है तबला, तो आप देखो क्या कर, वी लर्न टू ड्रॉ कॉमा सिंग एंड कॉमा डांस एंड डांस, यानी हम ड्राइंग करते हैं वो सीखते हैं, गाना गाना सीखते हैं और डांस करना सीखते हैं स्कूल में। ठीक है बच्चों, आगे देखो ये क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल को खेलते हुए दिखाया है, तो क्या कहें, वी आल्सो लर्न टू प्ले गेम्स इन अवर स्कूल, हम अपने स्कूल में भी गेम्स भी सीखते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है बच्चों, अवर टीचर टीच अस ऑल थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स, हमारी जो टीचर है